हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और घर पे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो, हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 में हमने काफी सारे इंग्रेडिएंट्स को कंप्लीट कर लिया और हम लोग ने कोलोइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बेसिकली स्टार्टिंग में मैंने कल के वीडियो लेक्चर में आपको कोलोइड्स के बारे में थोड़ी बहुत रिविजन करवाया था, थोड़ा बहुत आई मीन के मैंने रिविजन आपको करवाया था, वो कल के प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको वो करवाया था। अब आज के इस लेक्चर के अंदर मेरा टारगेट है कि मैं आपको जो कल मैंने एसोसिएटेड कोलोइड्स पढ़ाया था, जिसमें हमने माइशेल फॉर्मेशन देखा था, उसके आगे के पार्ट पे ले जाओ। तो कल हम लोग ने जो एसोसिएटेड कोलोइड पढ़ा था, एक बार बच्चों हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये जो हम लोग कोलोइड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं वो तीसरे टाइप का कोलोइड सोल्यूशन है। चलो बच्चों, तो आगे जाते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो हम लोग कोलोइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं और कोलोइड्स में हम लोग ने तीसरे टाइप के कोलोइड का जो टाइप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, उसमें जो तीसरा क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डिस्पर्जन फेज, उसमें हमने पहला क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया था, दैट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड। बच्चों मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड यानी कि एक ऐसा कोलोइड सॉल्यूशन जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठा होते हैं। वैसे तो वो पार्टिकल होते हैं बहुत छोटू से, जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटी रहती है, लेकिन वो कलेक्ट होके इकट्ठा होके 1 नैनोमीटर की साइज से बड़ी साइज के बन जाते हैं और वो क्या करते हैं, और वो लोग कंपाउंड का फॉर्मेशन, यस यानी कि कोलोइड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे S8 का मॉलिक्यूल है, फिर गोल्ड का सॉल्यूशन है, ये सारे उनके एग्जांपल। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना कि ये जो भी मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड होते हैं वो लायोफिलिक एज वेल एज लायोफोबिक दोनों टाइप के कोलोइड सॉल्यूशन को बना सकते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलोइड की बात करें तो वो ऑलरेडी बड़े साइज के होते हैं, बस करना इतना होता है पार्टिकल्स को लो, सीधा सूटेबल सॉल्वेंट में डालो और कोलोइड सॉल्यूशन बच जाएगा, कोई ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रोटीन्स का जो सॉल्यूशन बनता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के लाइक गम सेलुलर स्टार्च एंड सिंथेटिक पॉलीमर के लाइक पॉलीथीन रबर वगैरह है। इसके बाद है दैट इज एसोसिएटेड कोलोइड्स, ठीक है, वो इसके बाद आता है एसोसिएटेड कोलोइड्स। अब मैंने कल आपको बताया था कि भी एसोसिएटेड यानी कि इकट्ठा होकर काम करना, लाइक मान लो कि भी कोई भी स्टूडेंट स्कूल में पढ़ने आता है, पढ़ाई करने आता है, तो उसको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने पर उनको ऐसा होता है कि उसका रीज़न ये रहता है। अब हम लोग को हमने जो एसोसिएटेड कोलोइड की बात की, तो वो जो कोलोइड का फॉर्मेशन होता है उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जब वो फॉर्म हो सकता है और उसका एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होता है। जो उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, और उसका जो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको हम लोग क्रिटिकल माइशेल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। अब आज के इस वीडियो लेक्चर को हम छोटा सा बनाएंगे, हम लोग इसका क्लेंजिंग पर्पस कंप्लीट करेंगे और हम लोग रिपेरेशन ऑफ कोलोइड्स को शुरू करेंगे। क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, तो हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई यहां पर सोप एंड डिटर्जेंट जो है वो क्लेंजिंग पर्पस का काम कर रहा है, ठीक है, एंड अब इसके क्लेंजिंग एक्शन ये कैसे करता है वो भी तो हमें देखना है। देखो बच्चों, सोप जो होता है उसका केमिकल नेम होता है सोडियम स्टेरिक, का केमिकल नेम होता है दैट इज सोडियम स्टेरेट, उसका फॉर्मूला था C17H35C0-NaPlus। 17 और 18 कार्बन की चेन होती है जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी पढ़ा था कि देखो कुल मिला के 18 कार्बन की रेंज होती है, इस ऑफ द 18 कार्बन, ठीक है।
है। यस, यहाँ पर ध्यान देना, बेसिकली हमने देखा भी था कि भाई उसका स्ट्रक्चर तो जैसा रहता है, मैं पूरा तो नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ आप लोग फिर गिन के नंबर ऑफ कार्बन सेट कर लेते हैं। ओके, लाइक यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो होगा उसका हेड पार्ट होगा। देखो बेसिकली कोई भी सोप हो उसके जो पार्टिकल रहते हैं उसके दो पार्ट होने चाहिए, एक होता है हेड पार्ट, एक होता है टेल पार्ट। हेड पार्ट एंड टेल पार्ट, बेसिकली क्या होता है कि इतना पार्ट जो है वो लायो फोबिक होता है, यानी कि वाटर हीटिंग, लायोफोबिक यानी कि वाटर हीटिंग, और ये जो पार्ट होता है वो लायोफिलिक होता है, यानी कि वाटर अट्रैक्टिंग। वाटर अट्रैक्टिंग, ठीक है, ये टेल पार्ट है लायोफोबिक यानी कि वाटर हीटिंग, और ये हेड पार्ट है यानी कि लायोफिलिक वाटर अट्रैक्ट। अब ये पार्ट ऑब्वियस है कि वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, ये पार्ट वाटर को, बेसिकली वाटर नहीं पर हम लोग लिक्विड ले सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग वाटर अट्रैक्ट नहीं लेते हैं, ये पार्ट वाटर को अट्रैक्ट। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जो भी चीज़ वाटर में इनसॉल्युबल रहती है ना वो ऑयल में एंड फैट में सॉल्युबल हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो ऑयल एंड फैट में सॉल्युबल होगा, ये वाला पार्ट जो है वो वाटर में सॉल्युबल होगा, पर ये वाला पार्ट फैट एंड ऑयल में सॉल्युबल नहीं होगा और ये वाला पार्ट वाटर में सॉल्युबल होगा। अब मान लो कि भी कोई कपड़ा है, कोई क्लोथ है हमारे पास और वो पसीना हुआ है, तो ऑब्वियस है कि भाई पसीना जो होता है वो ही पार्ट होता है, तो उसमें क्या होगा पता है, ये जो सोप का जो पार्ट है ना ये हेड पार्ट है, ठीक है, ये सोप का हेड पार्ट है और जो टेल पार्ट है वो अंदर ऑयल में रहेगा, ठीक है। ये क्या है, ऑयल स्वेट या ग्रीस, ऑयल स्वेट ये इस तरह से उसको घेर लेगा। बेसिकली ये क्या करेगा पता है, वो तो आपको याद ही होगा कि भाई ये स्टेल पार्ट है या फिर ऑयल पार्ट है, इस तरह से पार्टिकल उनको घेर लेगा। ये क्या करेंगे, पार्टिकल्स को घेर। अब ये बेसिकली स्टेल पार्ट या ऑयल पार्ट ही है हमारा, ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्या है, तो ये ऑयल ही है, और ये जो पूरा बनता है उसको हम लोग बोलते हैं माइशेल। क्या बोलते हैं इसको, ही हम लोग बोलते हैं दैट इज माइशेल फॉर्मेशन, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, और यही चीज होता है जहां जहां पर भी कपड़े होंगे, रखने को जैसे कि ये आपने साबुन घिसा, अब ये जो ऑयल पार्ट है स्टेन पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर ये वाटर है, अब वाटर क्या करेगा इस स्टेन पार्ट को लेकर, ये माइशेल को लेकर चला जाएगा, यानी कि मान लो कि अपने जो कपड़े हैं उसमें यहाँ पर डस्ट जम गया है, यहाँ पर ऑयल जम गया है, मतलब स्वेटिंग हुआ है, तो आप पहले साबुन घिसोगे, तो जब आप साबुन को घिसोगे बच्चों तो वो क्या करेगा, वो इस तरह से पूरा माइशेल का फॉर्मेशन कर लेगा, और आप जैसे ही पानी डालोगे अंदर, एज सून एज यू एड वाटर इन टू इट, एज सून एज यू एड वाटर इन टू इट, होगा कि आपके, ठीक है, और हाँ यहाँ पर ये जो मान लो कि भाई यहाँ पर कोई स्टेन बन गया है, तो वो स्टेन के आजू बाजू में पूरा एक माइशेल बन जाएगा, और जैसे पानी डालते हैं अपने, जैसे मम्मी कपड़े धोती है तो उसको क्या करती है, सबसे पहले साबुन से घिसती है,
तो वहां पर पूरा क्या बन जाएगा, पूरा यहाँ पर माइसियल जहाँ जहाँ पर भी डस्ट होगा या स्टेन होगा तो वहां पर क्या होगा, पूरा माइसियल माइसियल बन जाएगा। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पानी डालेंगे तो वो माइसियल्स जितने भी जहाँ जहाँ माइसियल होंगे वो कचरे को लेकर पानी के साथ बाहर, और इसी तरह से हमारे जो कपड़े हैं वो साफ हो जाते हैं। और यही रीजन की वजह से बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ये सोप वगैरह डिटर्जेंट वगैरह माइसियल का फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए क्या होता है, क्योंकि ये माइसियल का फॉर्मेशन कर सकता है इसलिए क्या होता है, क्लेंजिंग पर्पज में यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एसोसिएटेड कोलोइड्स कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक छोटे से नए टॉपिक की शुरुआत करके इस वीडियो लेक्चर को थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिपेरेशन ऑफ कोलोइड्स करते हैं, कोलोइड्स को बनाने की टेक्निक को पढ़ेंगे, प्रिपेरेशन ऑफ कोलोइड्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी मेथड है, दैट इज केमिकल रिएक्शन मेथड, ये सबसे पहली मेथड है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। जो हम लोग ने कोलोइड्स के जो टाइप है वो हमने पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए, कोलोइड्स के जो टाइप है वो तो हम लोग ने कंप्लीट कर लिए। तो अब हम लोग करेंगे केमिकल रिएक्शन मेथड, तो जरा ध्यान देना, केमिकल रिएक्शन मेथड में हमारे पास टोटल चार रिएक्शन मेथड है। पहला है AS2O3 प्लस 3H2S, क्या है, तो AS2S3 सॉल्यूशन प्लस 3H2। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीजन जो है वो इधर ट्रांसफर हो रहा है सल्फाइड में। बेसिकली हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में रेडॉक्स रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, पर वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था वो मेटल्स का हो रहा था, यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर नॉन मेटल्स का डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, इसके बाद है SO2 प्लस H2S, अब उसमें कैसा होगा, सल्फर के यहाँ पर बेसिकली उसके पार्टिकल्स फॉर्म होंगे कोलोइड साइज के पार्टिकल, और वो किस में बनेगा, तो वो वाटर में बनेगा, यहाँ पर वाटर मीडियम का काम करेगा, डिस्पर्जन मीडियम का, आप समझे, यानी कि हम जब सल्फर डाइऑक्साइड का H2S गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का H2S गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या होगा, सल्फर का जो है उसके पार्टिकल्स बन जाएंगे, और वो जो पार्टिकल होंगे वो कोलोइडल पार्टिकल के साइज के जितने रहेंगे, दैट विल बी द साइज ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल। और वही क्या करेंगे, सॉल्वेंट के अंदर वाटर एक सॉल्वेंट का काम करेगा, उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, हमें एक हेट्रोजीनियस, बेसिकली पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होता है बट हमें मिलता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सल्फर सोल हो गया, समझ गए ना, सोल क्यों बोला आपने, लिक्विड है लिक्विड। ठीक है, चलो आगे जाते हैं, थर्ड एग्जांपल है FeCl3 प्लस 3H2। क्या आएगा यहाँ पर, ध्यान से देखना, H प्लस एंड 3OH माइनस, यहाँ से ये ब्रेक होगा, ये बेसिकली ब्रेक होगा, मैं इसका बॉन्ड ब्रेकिंग ही बता दूँ, Fe3 प्लस एंड 3Cl माइनस, ये इधर अटैक करेगा, ठीक है, और ये इधर अटैक करेगा। देखो कोई भी केमिस्ट
केमिस्ट्री में अगर आपको केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म वगैरह को समझना है और आपको ये देखना है कि भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको इतना तो आना चाहिए कि भाई बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ से हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मिंग कहाँ से हो रहा है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आयंस जो रहते हैं वो कौन से आयन के क्या चार्ज होते हैं। लाइक यहाँ पर बनता है FeOH thrice plus 3HCl, तो यहाँ पर हमें मिल गया FeOH thrice, इसको बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये तो आपको पता ही होगा कि भाई Fe का चार्ज जब भी प्लस थ्री होता है तो उसको हम लोग फेरिक बोलते हैं, Fe का चार्ज प्लस टू होता है तो उसको हम लोग फेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस। ये फेरिक एंड फेरस वाला फंडा आपको क्लियर होगा बच्चा, मैंने आगे तो पढ़ाया ही नहीं। फेरिक एंड फेरस, जैसे कि FeCl है ना ये, तो इसको फेरिक क्लोराइड बोलते हैं, और अगर FeSO4 होता तो फेरस सल्फेट बोलते हैं। FeSO4 होता तो फेरस सल्फेट बोलते हैं, पर क्योंकि यहाँ पर FeCl3 है तो फेरिक क्लोराइड आता है। फिर क्या आएगा? 2AlCl3 2EuCl3 प्लस 3HCHO, ये आता है मीथेन। और ये बेसिकली EuCl3 यानी कि गोल्ड का क्लोराइड कंपाउंड है। क्या होगा? 3H2O। ठीक है, अब क्या होगा? 2Au प्लस इसमें क्या बनेगा यहाँ पर? 3HCOH। अब यहाँ पर इसके तीन OH है वो इधर आ गए, 3H इधर आ गए, अब इसके तीन O इधर आ गए ना, तो ये सी डबल बन गया। अब रहा क्या? तो जो रहा वो बाय प्रोडक्ट बनेगा यहाँ, तो 6HCl बनेगा, प्लस 6HCl। और ये यहाँ पर गोल्ड का सॉल्यूशन, गोल्ड का क्लोराइड सॉल्यूशन बन गया बच्चों। क्या बना? गोल्ड का क्लोराइड सॉल्यूशन बन गया। तो ये पहली मेथड थी जिसमें हम लोग क्लोराइड सॉल्यूशन को बनाते हैं, और इस मेथड का नाम है केमिकल रिएक्शन। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन। जैसे कि Fe है प्लस 3 है तो वो फेरिक बनेगा, Fe प्लस 2 है तो वो फेरस बनेगा। ठीक है, ऐसे देखते रहना, Fe प्लस 3 है तो फेरिक बनेगा, प्लस 2 तो फेरस बनेगा। ओके, यहाँ पर पहले रिएक्शन में हमने क्या देखा? तो डिस्प्लेसमेंट देखा, पहले रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया ना, और हमें क्या मिला? आर्सेनिक का सॉल्यूशन मिला, सोल मिला। फिर यहाँ पर भी क्या हुआ? यहाँ पर सल्फर का सोल मिला। ठीक है, और यहाँ पर हमें FeOH3। ये देखो, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना, खास करके उनको फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही यूज़ किया जाता है। ये गोल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये जो गोल्ड का सोल जो हमने बनाया वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है मेथड, देखो बेसिकली हम लोग यहाँ पर काफ़ी डिटेल में प्रिपेरेशन ऑफ द कोलोइड्स पढ़ने वाले हैं। उसमें हमने पहला केमिकल रिएक्शन मेथड पढ़ लिया, ये NCERT में इतना दिया हुआ है, और हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ लिया। अब इसके बाद का जो टॉपिक है बेसिकली उसका नाम है दैट इज इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड एंड, या फिर इसका दूसरा नाम है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड या फिर बोलते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड बोलते हैं। ओके, क्लियर है? चलो, तो बच्चों यहाँ पर हमारा आज इस वीडियो लेक्चर को इधर ही माइंड अप करते हैं। हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन माय डियर नियर स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट एंड नोट्स लेना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड। हाँ, यहाँ पर वहाँ की अगर हम बात करें ना, जरा ध्यान दें, टोटल 18 कार्बन बना लेना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, फिर ये और ये और ये, अब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16 एंड ये कोई नहीं। अब ये चेन कोई हो, ये तो मैंने शॉर्ट में चेन बनाई है बताने के लिए, ये वो सोप के पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी बात। ठीक है, तब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, तो
टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। ओके, एक मिनट तक मैं ये वीडियो को चलाऊंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।